होना चाहिए। और दूसरा ये है कि उसको हम घर में रख नहीं सकते, वो बहुत ही महंगा है। तो छतें मिली भी है, लोग कूद के आ जाते हैं। पहले भी हमारे किसी जमाने में परिंदे चोरी हुए थे तो, और वो बोलता इतना जोर से है कि पड़ोसी परेशान हो जाएंगे, उसकी आवाज़ बहुत तेज होती है, इसलिए वो हम रख नहीं सकते। हमारे वो दोस्त थे जो मुल्तान वाले शहर में देहात वाले, उन्होंने भी हटा दिया था क्योंकि उनके पड़ोसी शिकायत करते थे तो ये बोलते बहुत तेज है। तो ये मसला है, बकों की आवाज़ बहुत तेज होती है और चोरी होने का खतरा भी है छत पे, इसलिए फिलहाल उसको हम नहीं रख सकते। बाकी वो अस्सलाम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे मिनी जूम में। तो अगर आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं है, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो भाई अभी हमारे राजू ने और हमारी मुन्नी पापड़ी ने, इन दोनों ने क्या हरकत करी। इधर आओ भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ, उसकी हरकत दिखाऊं मैं आपको। भाई ये देखे राजू और मुन्नी पापड़ी दोनों एक ही घर में है। नहीं नहीं अभी कहाँ देगी बच्चे, ये कैसे आया था? तो ये देखो ना, समझ नहीं आ रहा। मुन्नी पापड़ी देखो, मुन्नी का हाल देखो, पूरी कालीन के अंदर रस्सी लिपटी हुई है। कहाँ से आया ये? ये कहाँ से इसके रस्सियों में फंसी हुई है? ये क्या हुआ है भाई? चलो जाओ अंदर, मार रहा है पेट में इसके। क्या करूं? अंदर जाओ। अरे यार अब क्या करूं? पकड़ो इसको, निकालो, ये तो कैमरा कैसे पकड़ के उठालो उसको, कौन सा मजा मारेगा उसको, मारेगा। चेक करो कहाँ से है, कैसे जा सकता है, कहीं से रास्ता ही नहीं है। यहीं से क्या? हाँ यहीं से दोबारा गया, दिखाओ उसको, तार बांधो भाई। मगर ये देखें अभी मैंने यही दोबारा हटाया, बल्कि हमने इसको तो बांध दिया था यार, ये सुराग हमने बंद कर दिया था, फिर दोबारा कैसे? तो ये बहुत शरारती हो गया हमारा राजू भाई। देखा आपने, अभी तो सही था यार, अभी तो नहीं गया ये, अभी पहुंच गया जब हम लोग आए हैं। तो भाई अभी हमें सेटअप पे आए हुए, तकरीबन आधा घंटा हो गया। मैंने आके पहले सेटअप की सफाई वगैरह करी है पूरी, उसके जब मैं आया हूँ, मैं सफाई कर रहा था तब ये यहीं पे था अपने घर में, वो अपने घर में थी। अभी जब मैं ब्लॉग स्टार्ट करने लगा हूँ तो एकदम हमारे राजू साहब जो है उधर मेरे को यहाँ नजर नहीं आया, उधर वाले घर में नजर आए। तो फिर मैंने जब देखा तो भाई, लेकिन लकड़ियां वकड़ियां भी नहीं है ना इधर, तो गायब कर दी इसने सारी लकड़ियां, सब तोड़ तार दिया इधर। फिलहाल कोने में बांध दो ना कालीन को, कोने वाली लकड़ी। अगर सिर्फ कालीन बांध दो, चलो भाई सिर्फ कालीन बांध देते हैं। हाँ ये करते हैं ताकि इधर से उधर ना जा सके। मुन्नी पापड़ी को आजाद किया, वो जो फंसी हुई है किया तो है, अभी भी थोड़ी बहुत है। देखो उसको क्या है, इसको अभी यहाँ पे बांधते हैं। तो भाई अभी इधर एक वायर तो बांध दिया ताकि ये थोड़ा खुले नहीं। हाँ यहाँ से तो नहीं खुलेगा, एक वायर यहाँ बांध देते हैं ऊपर, और मेरे ख्याल में इधर से भी उठा सकता है, तो इसको भी यहाँ पे वायर बांध देते हैं। चलो भाई यहाँ पे भी सब बांध दिया है। हाँ राजू, राजू आया मेरे से बात करने, इधर आओ, इधर आओ तुम मेरे पास। हैं तू ऐसे तुम मस्तियाँ करते हो, क्या वजह है? हैं तू इतने बदमाश हो तुम, हैं बताओ? पता नहीं क्या है इसको, ये इतनी चुल्ले है इसके अंदर, इतनी चुल्ले है, सीधा एक जगह खड़ा नहीं हो सकता ये, हैं क्या मसला है बताओ मुझे, बताओ। हैं नहीं जाने दूंगा आज तो मैं, आगे नहीं जाने दूंगा, पीछे घुस रहा है, यहाँ से निकलेगा कह रहा है। बंद है रास्ता, बंद है रास्ता, बंद है यहाँ से निकले, थोड़े से रास्ते से मिले जगह दे दे। क्या कर रहे हैं? चलो बाहर चलते हैं, चलो मैं बाहर जा रहा हूँ, सही है। अरे पाँव पे चढ़ गया, पाँव उठाओ। हाँ भाई मुन्नी पापड़ी, ए पापड़ी 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 पापड़े पापड़े, आओ आओ पर आओ। हाँ शरारती, इन बहुत शरारती हो गई। चलो खैर हम बाहर चलें भाई, बाकी हमें और काम भी है भाई, चलो हटो। चलो जी खोल दिया इनको, बाहर क्यों नहीं निकाल ले यार? बाहर ना वो फिर वो उस तरफ वो आती है ना लेडीज, हाँ वो डरती है। तो भाई ये उस तरफ जाता है ना, वहाँ पे लेडीज कपड़े वपड़े सुखाने आती है, उनको डराता है ये। चलो खैर है कोई बात नहीं, ये लो
और दे दो, किसका देना, और निकालो। चलो भाई राजू, भाई राजू को डालते हैं। हटो हटो राजू। खैर भाई और काम भी है हमें भाई, खाना वाना डालते रहना आप भाई। मुर्गी को नहीं देखा अभी, कितने दिन हो गए, कब से बैठी हुई अंडों पे। मेरे ख्याल में हमने 5 तारीख को उसको अंडों पर बिठाया था, आज हो गई 10, 5 दिन हो गए, 5 दिन निकल गए, पता नहीं चला ऐसी। बाकी के ऐ काले कौवे, ओ भागा काला कौवा। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कैसे बैठी हुई है। अंडे सही है ना भाई, अंडे देखने खाली, 3 और 3 6 पूरे हैं। चलो बैठ जाओ, सही से बैठो, दोबारा बैठ जाओ भाई। 3 और 3 6 पूरे अंडे हैं भाई, बैठी रहो भाई, शाबाश, गुड गर्ल। चलो जी आ जाओ, अब दूसरी चीज देखते हैं नीचे। हाँ भाई, तो माशाल्लाह से हमारे टर्की बर्ड का चूजा देखें कैसे जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है भाई। इधर टर्की बर्ड का चूजा बड़ा हो रहा है, ऊपर अंडे में बच्चे तैयार हो रहे हैं दोबारा निकलने के लिए। अरे एक बेचारा बचा था, खैर ये भी जल्दी बड़ा हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा इसको बड़ा होने में, क्योंकि टर्की बर्ड जो है ना ये बहुत जल्दी बड़े होते हैं भाई। बाकी हाँ, और हमारे सेटअप से क्या गया था, सेटअप से हमारे जो गया है ना, मतलब कल नहीं सॉरी परसों जो हमारे सेटअप से गया है, वो गया है एक जो हमारे जैक के, मतलब जैक के जो बच्चे थे ना, दो एक्स्ट्रा हमारे पास जो थे वो दोनों चले गए। अभी खाली हमारे पास एक जैक की निशानी बची है। ए लड़ना नहीं है यहाँ पे, ये लड़ रहे हैं यार, आपने खोल दिया इनको, लड़ रहा है देखो इधर, चलो लगाते हैं। और ये देखें, एक हमारे पास सिर्फ जैक की निशानी रह गई है, बाकी जो दो थे हमने वो उनको हटा दिया सेटअप से। बाकी हमारी ब्लैक जो है ना, ब्लैक और ब्लैक ही दोनों हमने अलग करा हुआ है। खैर आज हमें अंदर अपने जो हमारे लका है, लका का नाम क्या बताया था भाई, जो भी नए हमारे लका है व्यूअर्स ने बताया, हाँ पिंक और पिंकू, कैसे ही बताया, पिंक व्हाइट पिंक ऐसी कुछ बोला है। देखो मैं देखता हूँ। तो भाई खैर अभी जो है ना, मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े हैं आप लोग के, तो भाई इतने सारे माशाल्लाह कल वाली वीडियो पे कमेंट्स आए हैं भाई, परसों वाली पे सॉरी। तो भाई कमेंट्स में ये है कि पहला तो ये है कि उसका नाम, हमारे जो नया कछुआ है उसका नाम वो बोलने के लकी रोज रख दो, कहने गुलाब जैसा है। सरदार जी ने नहीं, एक कमेंट कोई व्यूअर ने, लकी रोज, लकी रोज, लकी रोज बोला है ना, हाँ सही है, लकी रोज, लकी रोज देख लेते हैं। खैर लकी रोज को उर्दू में क्या बोलेंगे, लकी मतलब खुश किस्मत फूल। खैर भाई देखते हैं लकी रोज, आज देखते हैं आप लोग, तो दूसरे व्यूअर भी बता देंगे नाम सही लग रहा है, अगर लग रहा होगा तो कलम से ये नाम रख देंगे। बाकी वो जो है उन्होंने बोला है मकाओ ले आओ, मकाओ ले आओ, मकाओ का मतलब ये है कि मकाओ ले तो आए मगर इधर केज का मसला है। और एक और भाई ने उन्होंने बोला है कि आप अपना फोन नंबर दे दें, मैं आपको मकाओ जो है गिफ्ट करता हूँ, वो दुबई वाले भाई। हाँ तो बात ये है कि इतना मसला तो है, चुप हो जाओ, जैसे मसला ये है कि हम पेज इसके लिए होना चाहिए, और दूसरा ये है कि उसको हम घर में रख नहीं सकते, वो बहुत ही महंगा है, तो छतें मिली भी है, लोग कूद के आ जाते हैं, पहले भी हमारे किसी जमाने में परिंदे चोरी हुए थे, तो और वो बोलता इतना जोर से है कि पड़ोसी परेशान हो जाएंगे, उसकी आवाज़ बहुत तेज होती है, इसलिए वो हम रख नहीं सकते। हमारे वो दोस्त थे जो मुल्तान वाले शहर में देहात वाले, उन्होंने भी हटा दिया था क्योंकि उनके पड़ोसी शिकायत करते थे, ये बोलते बहुत तेज है, तो ये मसला है, पप्पो की आवाज़ बहुत तेज होती है और चोरी होने का खतरा भी है छत पे, इसलिए फिलहाल उसको हम नहीं रख सकते। बाकी वो कबूतरों का नाम पिंक एंड व्हाइट बोल रहे हैं, पिंक एंड व्हाइट, हाँ सही है, पिंक एंड व्हाइट रखते है ना। चलो देखते हैं भाई। खैर अभी है कि मास्टर केज में चलते हैं और वहाँ चल के जो है उन कबूतरों को देखते हैं कि उनका नाम उनको कैसा लग रहा है। बाकी ये है कि मकाओ का पापा ने बता दिया आप लोगों को मकाओ नहीं ला सकते, उसकी वजह हमारी छत पे ना सिक्योरिटी का मसला है, पहले भी एक बार हमारी चोरी हो चुकी है, फिर उसके बाद हमने मास्टर केज वगैरह बनवाया था जब हम ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट नहीं करी, उससे काफ़ी तकरीबन आज से 5-6 साल पहले चोरी हुई थी। तो खैर छतें क्योंकि असल में सारी मिली हुई है, तो किसी कुछ बोल भी नहीं सकते, कोई निशानी सबूत भी नहीं है हमारे पास, तो खैर इतनी महंगी चीज़ हम नहीं रख सकते, वजह यही है कि चोरी का खतरा है, सिक्योरिटी का मसला है बहुत। तो फिलहाल देखेंगे आगे इंशाल्लाह कुछ करेंगे, ऐसा सेटअप बनाएंगे। ए लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है, चलो उधर चलो, जब भी मैं इसको बाहर खोलता हूँ अंदर नहीं खोलता, बस बंद कर दें। वो देखो वो कहाँ घुस रहे हैं भाई यार, चलो इनको बंद करो पहले, पहले इनको बंद करो, पहले इनको बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है ना सर ये बिल्कुल करेंगे। ए रुक जाओ, चलो 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 जी, ये चला रहा है, चलो जी इनको बंद कर दिया, टर्की बर्ड को भी बंद कर दें, एक मिनट टर्की बर्ड को कर दूं बंद। ये बड़ा हुआ अंडा भाई, इनका घर सही करो यार, ये तो बहुत गिर रहा है घर, बनाना है घर, सामान आ गया है,
तो भाई ये सामान जो आप देख रहे हैं बोरों में, भाई ये सारा इनके घर के लिए आया, मैं इनके घर जो इंशाल्लाह बहुत जल्द कम्प्लीट हो जाएगा। चलो 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 लड़ाई कर ली, घूमने नहीं आता बाहर, लड़ाई करने आता है। चलो इसको हाथ रखना, ये भागे नहीं, इसकी फीमेल कहाँ गई। चलो यहाँ से चलो सीधा चलो, छू 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 छो छो छो, चलो चलो जी। पहले मुन्ना मुन्नी को कर देते हैं बाहर, फिर उसके बाद देख। तो भाई अभी मुन्ना मुन्नी को भी खोल दिया है, और अभी मैंने क्या देखा आते के साथ ही, हमारी जो डफ है ये देखे भाई माशाल्लाह से, हमारी डफ ने भाई माशाल्लाह से दो अंडे दोबारा दे दिए। तो एक काम करते हैं अब, ये तो पहले वाला जो अंडा है ना हमारे बटेर का, वो हटा देते हैं, दो अंडे जो है माशाल्लाह से इनके रहने देते हैं। बड़ा अच्छी बात है भाई, बड़ी जल्दी अंडे दे दिए इन्होंने तो। चलो बस अंडे सेको, फटाफट बच्चे निकालो उसमें से। बाकी इनकी बात हो रही थी भाई, तो इनका नाम आपने कमेंट बॉक्स में बताया है, मैंने बोला था बार बार कि आप नाम बताएं नाम बताएं, तो नाम इनका बताया जो, तो इसका बताया आपने पिंक और इसका वाइट। चलो भाई सही है, पिंक वाइट। तो भाई हमारा या पिंकी रख लेते हैं, पिंकी और वाइट, वाइटी वाइट ऐसी कुछ करके नाम सोचते हैं इसका, देखते हैं क्या नाम आता है। ऐसी कोई नाम मेरे जहन में आ रहा है, पिंकी और वाइटी करके ऐसी कुछ, पिंक एकदम सिंपल हो जाएगा, पिंक और वाइट एकदम सिंपल हो जाएगा, पिंकी और वाइटी ऐसी कुछ करके नाम हो ना, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलो अभी देखते हैं हम अपने अपना क्या नाम था उसका, फ्लैप शेल्ड को, जो हमारा कछुआ है उसका नाम लकी रोज बताया ना, सही है लकी रोज नाम सही है ना। की पट्टी खोल दो, हाँ हाँ बेचारा चल नहीं पा रहा है भाई, बिल्कुल भी ये लो देखो बंदा भी कितना होगा ना। हाँ खोलनी पड़ेगी, खोल दो, चला ही नहीं जा रहा है इससे, तो कुछ बेहतर हो गई हो, जुड़ गई हो। इसकी जो है ना हड्डी मेरे ख्याल में या तो जोड़ खुल गया है या ज्वाइंट क्या होता है वो खुल गया है या क्या हुआ है, लांगे लगाते हैं ना यार, वरना फिर जगह अभी ये देखते हैं, इससे नहीं होता है तो फिर प्लास्टर करना पड़ेगा, मगर मसला ये एल्बो है, एल्बो पे प्लास्टर नहीं हुआ, जुड़ा नहीं जुड़ा, ये देखे। तो भाई ये अभी भी नहीं जुड़ा मेरे ख्याल में, अब जो है ना प्लास्टर करना पड़ेगा, छोड़ के देखो। हाँ नहीं ना टांग ही नहीं रख पा रहा अब तो बेचारा, अब मेरे ख्याल में ये करना पड़ेगा कि इसको प्लास्टर करना पड़ेगा। चलो देखते हैं अल्लाह माली के क्या होता है, कुछ करते हैं इसके बारे में भी। और उसको देखें नफीस को वहाँ जाके वो जो है वो खा रहा है डंडी। खैर अभी ये तीनों तो यहीं पर घूम रहे हैं, अभी क्या करते हैं कि अपने कैप्टन को निकालते हैं, क्योंकि अब रोज इसकी जो है ना ट्रेनिंग देनी है भाई इसको, दूर से बुलाना है, आज भी देखते हैं कितनी दूर से आता है। आ जाओ हेलो जी, आ जाओ, आ गया आ गया आ गया, देर करी बेटा, करा मेहरबान, आते आते। चलो जी खैर अभी ये करते हैं अपने वाले कछुए को निकालते हैं भाई, हमारा जो लकी रोज आप लोगों ने नाम बताया उसको निकालने पानी के अंदर है, वो पानी उसने इतना गंदा कर दिया एक दिन में ही, हाल देंगे पानी का। ये देखें भाई साहब कहीं नजर ही नहीं आ रहे, कांगर इतना गंद कर दिया, पता नहीं क्या कर रहा है पानी में, खुद है किधर वो बैठा हुआ, नजर भी नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा आया। इसको निकालते हैं बाहर भाई, पानी तो उसने बहुत गंदा कर दिया, चलो निकालते हैं फिर देखते हैं क्या करना है इसका। ये आ गया जी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, स्लिप हो जाएगा, घीसरा कहीं वो हो रहा है, लाते हैं ना चादर, अभी लाते हैं भाई। ये आ गया भाई चादर, इसको करो साफ ताकि ये जो है थोड़ा सा खुश्क हो जाए, क्योंकि हाथ एकदम स्लिप हो रहा है हाथ में, सफाई हो रही है, सर्विस हो रही है। अच्छा इसका जो बैक और ये दोनों है ना ये नरम नरम है, ये अलग मसल है ना, ये जो है हार्ड वाला नहीं है। क्या ना, क्या नाम बताया था इसका, नाम है फ्लैप, ओई फ्लैप शेल, नीचे भाई तुम नीचे ही रहो, तुम जो है भाग जाते हो ना नीचे ही रहो तुम, ये देखे नाक कैसी है इसकी, पतली सी, पतली सी नाक है, पतला था इसका मुंह है। अच्छा जब गर्दन निकालता है ऐसा लगता है सांप है भाई, ये देखें भाई, अरे भाई साहब, अच्छा ज्यादा बड़ा नहीं है ये, देखिए मेरे हाथ में ये देखें आपको अंदाजा हो रहा होगा कितना है, तकरीबन ऐसे होगा ये 5 इंच और ऐसे लंबाई इसकी होगी तकरीबन 6 इंच। हाँ अभी कितना, 8 इंच मुड़ गया क्या देखो, नहीं नहीं सही है ऐसे ही दबा, हाँ ये बंद भी हो जाता है, ये देखो पूरा बंद, बोले खोलो ये देखें ये पूरा ऐसे पुश होता है भाई, ये देखें बैक से देखें कैसा है। अच्छा ये जैसे मछली के गलफड़े नहीं होते वो वैसा है, ये देखें यहाँ से ये पूरा पैक हो जाता है और टांगे इसके अंदर चली जाती है, ये पूरा पैक
जैसे ये कभी कुछ खतरा महसूस होता है ना, ये अपने आप को पूरा बंद कर लेता है, जेल है ना इसका। हाँ, ये पूरा बंद कर लेता है अपने आप को और फिर जो है समझ लो पत्थर बन जाता है। लेकिन फिर भी इसको नुकसान ये है कि इसके ऊपर दांत, अगर कोई परिंदा अपनी चोंच या दांत मारता है ना तो वो असर कर सकता है, क्योंकि ये बहुत नरम है, कोई हार्ड नहीं है। और ये जो डिजाइन बने हुए, ये डिजाइन देखे माशाल्लाह क्या कुदरत है भाई, पूरा ये देखे ऐसे ना पूरा गोलाई में बने हुए। अच्छा सर निकालेगा, अभी सर पे दिखाता हूँ आपको, सर पे देखेंगे इसके। निकाल भाई निकाल, सर निकाल, ये अभी आता है ना बाहर, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा इसके सर पे माशाल्लाह इतना प्यारा सा एक तितली बनी हुई है। ये देखें भाई आ रहा है, अभी दिखाता हूँ आपको इसके सर पे देखेंगे। खतरा भी महसूस कर रहा है, खतरा खतरा है मुझे, दबी नहीं आ रहा। खैर फिर क्या करूँ, उसी में छोड़ दूँ दोबारा? उसी में छोड़ना है, कल चेंज करेंगे पानी, है ना? पानी आज नहीं चेंज करते, पानी से कल मुलायम है, ये तो नरम है बिल्कुल, सॉफ्ट होता है एकदम। चलो दोस्तों फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में, आज का इतना ही आज के लिए। तो मेरी तरफ से तो भाई अल्लाह हाफिज, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलो भाई इसको बंद कर देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं मतलब इसके। अरे पंजे नहीं चलाना, नहीं ये गया पानी में। चलो जी इसको भी खैर पानी में वापस छोड़ दिया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।